इस प्रॉब्लम में हमें एक साइड हिंज सपोर्ट दिया है और एक साइड रोलर सपोर्ट दिया है और हमें इन दोनों सपोर्ट पर रिएक्शन फाइंड आउट करना है। तो पहले हम ये समझे कि हिंज सपोर्ट पे कौन कौन से रिएक्शन मिल सकते हैं। हिंज सपोर्ट पे दो रिएक्शन मिल सकते हैं, एक वर्टिकल रिएक्शन मिल सकता है जिसको हमने नाम दिया VA और सेकंड आपको हॉरिजॉन्टल रिएक्शन मिल सकता है जिसको हमने नाम दिया HA। अगर हिंज सपोर्ट पे वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स लगेगा तो हिंज सपोर्ट पे आपको वर्टिकल रिएक्शन मिल जाएगा, अगर हिंज सपोर्ट पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लगेगा तो हिंज सपोर्ट पे हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आपको मिल जाएगा। ये आपका रोलर सपोर्ट है। रोलर सपोर्ट पे एक ही रिएक्शन मिल सकता है। कैसा मिल सकता है? परपेंडिकुलर टू द रोलर सरफेस। अगर रोलर आपका इस तरीके से इंक्लाइंड हो जाएगा तो आपका रिएक्शन भी इस तरीके से इंक्लाइंड हो जाएगा, लेकिन मिलेगा एक ही। अगर रोलर को मैंने इस तरीके का बना दिया तब भी आपको एक ही रिएक्शन मिलेगा रोलर पे, दैट विल एक्ट परपेंडिकुलर टू द रोलर सरफेस। रोलर पे इस डायरेक्शन में कोई भी रिएक्शन आपको नहीं मिलता है। किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में कोई भी रिएक्शन आपको नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? हम जब रोलर पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो रोलर तो पीछे खसक जाएगा, तो इस डायरेक्शन में आपको कोई भी रिएक्शन नहीं मिल पाएगा। हमें एक्चुअल रिएक्शन कब मिलता है? जब हम बॉडी पे फोर्स लगाएं और बॉडी अपनी ही जगह रुकी रहे तब आपको एक्चुअल रिएक्शन मिलता है। लेकिन रोलर के केस में अगर मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लगाऊंगा तो रोलर आपका पीछे खसक जाएगा, मतलब यहां पे इस डायरेक्शन में कोई भी रिएक्शन नहीं मिलेगा। हम एक और एग्जांपल से समझते हैं एक्चुअल रिएक्शन निकालने का। अब देखिए यहां पे मैंने तीन केस लिए हैं। ये लिफ्ट है, लिफ्ट में एक आदमी खड़ा हुआ है जिसका कि वेट कितना है, 100 kg है। ये आदमी किसके ऊपर खड़ा है? एक वेइंग मशीन के ऊपर खड़ा हुआ है और वेइंग मशीन हमको क्या बताती है? रिएक्शन बताती है। अगर 100 kg का आदमी वेइंग मशीन पे खड़े रहेगा तो वेइंग मशीन 100 kg का रिएक्शन हमको बताएगी। अब देखिए यहां पे तीन केस है। पहले केस में आपके लिफ्ट ऊपर जा रही है, सेकंड केस में आपके लिफ्ट रुकी हुई है, थर्ड केस में लिफ्ट आपकी नीचे जा रही है। अब 100 kg का आदमी लिफ्ट पे वेइंग मशीन के ऊपर खड़ा है, पहले केस में लिफ्ट ऊपर जा रही है तो वेइंग मशीन कितना रीडिंग शो करेगी? 100, 100 से कम या 100 से ज्यादा? वेइंग मशीन यहां पे 100 से ज्यादा रीडिंग आपको शो करेगी। सेकंड केस में 100 kg का आदमी वेइंग मशीन पे खड़ा है और लिफ्ट आपकी रुकी है तो वेइंग मशीन कितना रिएक्शन शो करेगी? 100 kg का करेगी। थर्ड केस में लिफ्ट नीचे की ओर जा रहा है, 100 kg का आदमी वेइंग मशीन पे खड़ा हुआ है तो यहां पे वेइंग मशीन 100 kg से कम का रिएक्शन शो करेगी। मतलब हमें एक्चुअल रिएक्शन कब मिला? हमें तब मिला जब हमने बॉडी पे फोर्स लगाया और बॉडी अपनी ही जगह रुकी हुई है, तब आपको एक्चुअल रिएक्शन मिलेगा। कैसे? रोलर सपोर्ट पे अगर आप वर्टिकल फोर्स लगाओगे तो यहां पे आपको वर्टिकल रिएक्शन मिलेगा क्योंकि रोलर नीचे नहीं जा पाएगा, ये तो जमीन पे रखा हुआ है। लेकिन जब आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे तो रोलर आपका पीछे खसक जाएगा तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपको कोई भी रिएक्शन नहीं मिलेगा। अब देखिए हम कुछ स्ट्रक्चर को देखें। ये देखिए एक स्ट्रक्चर है जिसमें दोनों साइड हिंज सपोर्ट लगे हुए हैं। सेकंड स्ट्रक्चर देखिए, यहां पे एक साइड हिंज सपोर्ट है और दूसरे साइड रोलर सपोर्ट है। तीसरा स्ट्रक्चर देखिए, इसमें दोनों साइड मैंने रोलर सपोर्ट बना के रखे हैं। तो ये जो है इसको हम बोलते हैं अनस्टेबल स्ट्रक्चर। किस केस के लिए? अगर देखिए मैं यहां पे एक इंक्लाइंड फोर्स लगाऊं तो ये स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? देखिए डब्ल्यू न्यूटन का जो फोर्स लग रहा है इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक आपका ये बन जाएगा डब्ल्यू कॉस थीटा, दूसरा ये बन जाएगा डब्ल्यू साइन थीटा। तो डब्ल्यू साइन थीटा को तो रोलर सपोर्ट यहां पे बियर कर लेंगे, ये देखिए बियर कर रहा है, लेकिन डब्ल्यू कॉस थीटा को बैलेंस नहीं करने वाला कोई है यहां पे। रोलर सपोर्ट इसको बैलेंस नहीं कर पाएगा तो रोलर क्या होगा? इस डायरेक्शन में चलने लगेगा। किसके कारण? डब्ल्यू कॉस थीटा के कारण।
मतलब ये स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। ये दो स्ट्रक्चर और हम देखते हैं। देखिए कैसे रेलवे का कोई ब्रिज है तो हम क्या प्रेफर करते हैं, एक साइड आपका हिंज सपोर्ट रहा और दूसरे साइड क्या रहा है, रोलर सपोर्ट। ऐसा क्यों? क्योंकि गर्मी के मौसम में क्या होगा, ये जो पटरी है आपकी एक्सपांड होगी, बड़ी होगी, तो क्या होगा, रोलर आपका पीछे खसक जाएगा। और ठंड में जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगी पटरी, तो क्या होगा, रोलर आपका इधर आ जाएगा, मतलब पटरी आपकी सीधी की सीधी बनी रहेगी। अगर आपने क्या करा, दोनों साइड हिंज सपोर्ट लगा दिया, तो गर्मी के मौसम में जब पटरी एक्सपांड होने की कोशिश करेगी तो हिंज सपोर्ट उसको एक्सपांड नहीं होने देगा, वो उसको रेजिस्ट करेगा, तो पटरी एक्सपांड नहीं हो पाएगी, मतलब आप क्या हो जाएगी, पटरी आपकी बेंड हो जाएगी। पटरी बेंड ना हो इसलिए हम क्या करते हैं, एक साइड हिंज सपोर्ट का यूज करते हैं और एक साइड रोलर सपोर्ट का यूज करते हैं। अगर दोनों साइड रोलर सपोर्ट का यूज करा तो क्या होगा, ये तो अनस्टेबल स्ट्रक्चर हो जाएगा, ये तो एक डायरेक्शन में चलने लगेगा। तो अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट हम दोनों साइड हिंज सपोर्ट, एक साइड हिंज सपोर्ट, सेकंड साइड रोलर सपोर्ट, दोनों साइड रोलर सपोर्ट, हम इनको यूज करते हैं। जरूर ये अनस्टेबल स्ट्रक्चर है, लेकिन हमने देखा होगा जो हमारी कांच की खिड़कियां लगी रहती हैं उसमें एल्यूमिनियम फ्रेमिंग में नीचे रोलर लगे रहते हैं, तो वहां पे हम इसका यूज कर लेते हैं। तो सबका अपना अपना इंपॉर्टेंस है, तो अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट हम इन स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। अब हम अपने प्रॉब्लम पे आते हैं, इसको हम हटा देते हैं सबको। हम ये समझ गए कि हिंज सपोर्ट पे दो रिएक्शन मिल सकते हैं और रोलर सपोर्ट पे एक ही रिएक्शन मिल सकता है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं मिलेगा। अब देखिए हम अपने प्रॉब्लम पे आ रहे हैं, तो हम प्रॉब्लम देखिए किस तरीके से सॉल्व करेंगे। हम जानते हैं कि हिंज सपोर्ट पे दो रिएक्शन मिल सकते हैं, तो हम वो दो रिएक्शन बना देंगे। तो देखिए हिंज सपोर्ट पे मैंने एक वर्टिकल रिएक्शन VA बना दिया, एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन HA बना दिया। हम नहीं जानते कि VA और HA मिलेगा या नहीं मिलेगा, और उसका डायरेक्शन इधर ही रहेगा या इस साइड रहेगा, या VA का डायरेक्शन ऊपर रहेगा या नीचे रहेगा, हम नहीं जानते। हम तो पहले इसको बना देंगे, अगर इनकी वैल्यू मिल गई तब तो यहाँ पर रिएक्शन लगेगा, और अगर इनकी वैल्यू नहीं मिली तो यहाँ पर रिएक्शन नहीं लगेगा। अगर इनकी वैल्यू पॉजिटिव मिली तो यहाँ पे जो रिएक्शन लग रहा है उनकी डायरेक्शन यही रहेगा, वी ऊपर और एच इस साइड। अगर इनमें से किसी की वैल्यू निगेटिव मिली, मतलब हमने जो डायरेक्शन बनाया है वो गलत है, डायरेक्शन उसके उल्टा हो जाएगा। अगर वी आपको निगेटिव मिला तो वी नीचे के डायरेक्शन में लगेगा, अगर एच ए आपको निगेटिव मिला तो एच ए का डायरेक्शन इस साइड होगा। मतलब जो डायरेक्शन हमने एज्यूम करा है उसके उल्टा डायरेक्शन हम बना देंगे अगर हमें फोर्स की वैल्यू निगेटिव मिली। अब देखिए हम जानते हैं रोलर सपोर्ट पे एक ही रिएक्शन मिल सकता है, तो ये मिल रहा है या नहीं मिल रहा उससे हमको कोई मतलब नहीं, हमको तो यहाँ पर रिएक्शन लगा देना है, परपेंडिकुलर टू द रोलर सरफेस। हम कोई भी डायरेक्शन एज्यूम कर सकते हैं, यहाँ पे ऊपर भी नीचे भी, हमने जो डायरेक्शन एज्यूम करा है अगर उससे वैल्यू पॉजिटिव आती है तो डायरेक्शन वही होगा, और अगर हमने जो डायरेक्शन एज्यूम करा है उससे फोर्स की वैल्यू निगेटिव आती है तो डायरेक्शन वो नहीं होगा, डायरेक्शन उसके उल्टा होगा। तो हम क्या करेंगे, हम पहले रोलर सपोर्ट पर रिएक्शन निकाल लिया करेंगे। हम पहले रोलर सपोर्ट पर रिएक्शन क्यों निकालेंगे, क्योंकि रोलर सपोर्ट पे एक ही रिएक्शन मिल सकता है, तो पहले सिंगल रिएक्शन निकाल लें, बाद में हम इन सपोर्ट पे दो रिएक्शन निकाल लिया करेंगे। हम रोलर सपोर्ट पे रिएक्शन किस तरीके से निकाला करेंगे, बाय टेकिंग मोमेंट एट हिंज सपोर्ट। हम मोमेंट हिंज सपोर्ट पे लेके निकाला करेंगे। तो देखिए अभी हमको सारे ये तो सिस्टम आपको इक्विलिब्रियम में दिया है, तो क्या होगा, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को ये सब सेटिस्फाई करेंगे फोर्सेस, दैट इज सिग्मा एम इक्वल टू जीरो, सिग्मा वी इक्वल टू जीरो और सिग्मा एच इक्वल टू जीरो। तो देखिए हमको क्या करना पड़ेगा, मोमेंट लेना पड़ेगा इन फोर्सेस का। तो देखिए 10 का मोमेंट अभी आप ए पे नहीं ले पाएंगे, क्यों नहीं ले पाएंगे, क्योंकि 10 न्यूटन वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं बना रहा है, तो 10 को आप दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लेंगे। तो 10 इनकमिंग फोर्स है, तो इसका पहला जो कंपोनेंट मैंने बनाया है इसको मैंने लिखा 10 cos 30, और 10 का देखिए मैंने दूसरा कंपोनेंट बनाया परपेंडिकुलर टू द गिवन कंपोनेंट, ये हमारा हो गया 10 sin 30। अब 10 वाले को हम हटा देंगे। इसी तरह मैं 20 के भी दो कंपोनेंट बना लूंगा, 20 न्यूटन वाले का एक कंपोनेंट बनेगा ये, इसको हमने लिखा 20 cos 60। 20 न्यूटन वाले का मैंने दूसरा कंपोनेंट बनाया परपेंडिकुलर टू द गिवन कंपोनेंट, ये बन गया 20 sin 60।
अब मैं 20 वाले को हटा दूंगा। अब ये आपको इक्विलिब्रियम में दिया है सिस्टम, तो सिग्मा एम, सिग्मा वी और सिग्मा एच क्या होंगे, इक्वल टू जीरो। तो देखिए पहले मैं सिग्मा एम को जीरो कर रहा हूं, मैं रोलर सपोर्ट पे रिएक्शन निकाल रहा हूं बाय टेकिंग मोमेंट एट हिंज सपोर्ट। कहां पे मोमेंट ले रहा हूं मैं, इस ए पॉइंट पे मोमेंट ले रहा हूं। तो ए पॉइंट पे देखिए वी ए का तो मोमेंट जीरो हो जाएगा, क्योंकि वी ए ए से ही पास होके जा रहा है। एच ए का भी मोमेंट जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये भी ए से पास होके जा रहा है। टेन कॉस 30 का भी मोमेंट जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये भी ए से पास होके जा रहा है। 20 कॉस 60 का भी मोमेंट जीरो हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये भी ए से पास होके जा रहा है। तो इन सबका मोमेंट कितना हो जाएगा ए पॉइंट पे, जीरो। अब 10 साइन 30 का मोमेंट देखिए कितना होगा, 10 साइन 30 इंटू 3। कैसा मोमेंट होगा ये आपको क्लॉकवाइज नजर आ रहा है। 20 साइन 60 का भी मोमेंट ए पे मिलेगा, कितना मिलेगा, 20 साइन 60 इंटू 7। कैसा मोमेंट इसका मिलेगा ये आपको दिख रहा है, ये आपको क्लॉकवाइज मिलेगा। आरबी का भी मोमेंट ए पे मिलेगा, कितना लिखेंगे, आरबी इंटू 10। और इसका मोमेंट आपको कैसा मिलेगा ये आपको एंटी क्लॉकवाइज मिलेगा। चूंकि ये इक्विलिब्रियम में है इसलिए हम क्या कर रहे हैं, सिग्मा एम को जीरो कर दिया। सिग्मा एम कितना लिखा, 10 साइन 30 इंटू 3 प्लस 20 साइन 60 इंटू 7 माइनस आरबी इंटू 10 इक्वल टू 0। तो इससे देखिए आपकी आरबी की वैल्यू आ जाएगी, हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारी आरबी की वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की सेकंड इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, सिग्मा वी इज इक्वल टू 0। आरबी आ गया हमारा, सिग्मा वी इज इक्वल टू 0। देखिए आरबी कितना आ जाएगा, 13.62 न्यूटन। जब हम सिग्मा वी को 0 करेंगे तो हम क्या करेंगे, वर्टिकल फोर्सेस का एल्जेब्रिक सम करेंगे। तो देखिए मैंने उस यहां पे जो मैंने मोमेंट का नेचर बनाया था उन सबको मैंने हटा दिया। अब मैं सिग्मा वी को जीरो करने वाली इक्वेशन बना रहा हूं, तो देखिए ऊपर कितने लग रहे हैं, वी ए लग रहा है प्लस आर बी लग रहा है। नीचे कितना लग रहा है, 10 साइन 30 और कितना लग रहा है, 20 साइन 60। तो ये नीचे के डायरेक्शन में लग रहा है, इन दोनों को मैं निगेटिव लिखूंगा, ये दोनों ऊपर के डायरेक्शन में लग रहा है इनको पॉजिटिव लिखूंगा, इक्वल टू जीरो कर दिया मैंने। तो आरबी की वैल्यू यहाँ पे हम निकाल चुके हैं, आरबी की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारी वीए की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए हमारी वीए की वैल्यू कितनी आएगी, 8.696 न्यूटन। इसके बाद हम क्या करेंगे, एच ए निकालना है तो हम इनके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का एल्जेब्रिक सम करेंगे। हॉरिजॉन्टल फोर्सेस कौन से लग रहे हैं, एच ए लग रहा है, 10 कॉस 30 लग रहा है, 20 कॉस 60 लग रहा है। तो देखिए हमने सिग्मा वी को जीरो करा तो एच ए और 10 कॉस 30 को प्लस लिखा, चूंकि 20 कॉस 60 का डायरेक्शन इस साइड है इसलिए मैंने इसको माइनस करा, इक्वल टू 0। तो इससे आपकी एच ए की वैल्यू आ जाएगी, एच ए आपका कितना आ जाएगा, 1.34 न्यूटन। तो इस तरीके से हमने रोलर सपोर्ट पे रिएक्शन निकाला, क्या करके निकाला, सिग्मा एम को हमने जीरो करके निकाला। और हिंज सपोर्ट पे हमने रिएक्शन कैसे निकाला, सिग्मा वी और सिग्मा एच को जीरो करके निकाला। जरूरी नहीं है कि रोलर सपोर्ट पे आपको रिएक्शन पहले ही निकालना है, आप पहले हिंज सपोर्ट पे भी रिएक्शन निकाल सकते हैं। किस तरीके से, बाय टेकिंग मोमेंट एट रोलर सपोर्ट। हम क्या कर सकते हैं, अगर वी आपको निकालना है तो आप रोलर सपोर्ट पे मोमेंट ले लीजिए, तो आपका क्या आ जाएगा, वीए की वैल्यू आ जाएगी। पहले आप वीए निकाल लीजिए, फिर एच ए निकाल लीजिए, फिर रोलर सपोर्ट पे रिएक्शन निकाल लीजिए, वो भी कर सकते हैं। लेकिन हम प्रिफर क्या करेंगे, हम पहले रोलर सपोर्ट पे रिएक्शन निकाला करेंगे सिग्मा एम को जीरो करके, फिर हिंज सपोर्ट पे जो रिएक्शन हमको निकालना है उसके लिए हम क्या करा करेंगे, सिग्मा वी और सिग्मा एच को जीरो करके हम हिंज सपोर्ट पे रिएक्शन निकाल लिया करेंगे। ये एक आसान तरीका रहा करेगा।